श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं, बोले हे परीक्षित, साधारण भाग्य से ये भागवत कथा कोई रख भी नहीं सकते, और
साधारण भाग्य से कथा कोई सुन भी नहीं सकते हैं। इसलिए संतों का कहना है जगत में ऐसे कुछ काम है, अगर हमारे पास में पैसा की बल हो, जिसकी बल पर जो काम को हम कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम है जो काम को हम जन बल पर कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम है, अगर हमारे पास में पैसा हो, जो काम को हम ये पैसा की बल पर कर सकते हैं। जगत में और ऐसे कुछ काम है जिसको हम श्री मन के बल पर कर सकते हैं। लेकिन जगत में सबसे बड़ा जो बल है वो आत्मा बल है। जगत में ऐसे कुछ काम है जो काम हम श्री आत्मा बल पर कर सकते हैं। लेकिन संतों का कहना कि भागवत कथा रखवाना और ये भागवत कथा सुनना न तो कोई चर बल से रख सकते हैं, न तो कोई धन बल से रख सकते हैं, न तो कोई मन बल से रख सकते हैं, न तो कोई आत्मा बल से रख सकते हैं। जब तक बांके बिहारी जी का कृपा बल नहीं हो कभी कथा कोई रख भी नहीं सकते और कथा कोई सुन नहीं सकते। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, बोले एक जन्म का भाग्य नहीं, बोले जन्मांतर भवेत् पुण्यम् तथा भगवतम् लभ्यम्। कहते सुपरीक्षित, करोड़ों जन्म जब पुण्य एकत्रित हो तभी ये भागवत कथा सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये भागवत कथा की इतने दुर्लभ है बोले स्वर्ग सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमृत। देखो बताएं, ध्यान देकर सुनो, अगर आपकी कथा सुनना है ना, आप जिसको जानते हो कभी भी उसको पास में मत बैठ। समझे, आप जिसको जानते हो कभी अगर कथा सुनी है, देखो घर बार छोड़कर क्या हो, कथा सुनने के लिए अगर यहाँ बैठे तो मारा शुरू कर दिया फिर आने को लगे। इसलिए आप अगर कथा सुनना कभी भी आप जिसको जानते हो एकदम मत बैठा करो। संसार की बात तो घर में भी कर लोगे, अगर यहाँ भी अगर, क्योंकि जो भागवत है ना ये कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष मतलब होता है अगर आप 7 दिन तक सही सही कथा सुन, सही सही नियम करके कथा सुन लिया, 7 दिन में आप जो कुछ भागवत से मांगोगे भागवत सारी इच्छा पूरी कर देगी। जो निर्धन है भागवत उसे धन प्रदान करता है, जो रोगी है भागवत उसको निरोग प्रदान करता है, जिसको संतान नहीं भागवत उसको संतान प्रदान करती है, जिसकी नौकरी चाकरी नहीं भागवत उसको नौकरी चाकरी कर देते हैं, जिसको दुकान मकान नहीं भागवत उसको दुकान मकान भी दिला देते हैं। अगर 7 दिन तक अगर ये नियम कर कथा सुनोगे ना, जो कुछ मांगोगे भागवत कथा आपको वही प्रदान करेगी। अगर यहाँ पर गप्पे मांगो बैठ करके फिर तो भागवत कुछ देगी नहीं, क्योंकि जो मांगोगे ना वही देगी। इसलिए यहाँ बैठ करके शाम को बैठना, याद करके बैठना, आपको जानते हो तभी भी भूल से उसको पास में मत बैठना, फटकना नहीं उसको पास में, नहीं तो गप्पे मारोगे यहाँ पर। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। 5 मिनट सुन लो, यदि भगवत कथा कितनी दुर्लभता है। बोले स्वर्ग पानी भैया, वो पानी दे रहे हो, पानी जब कीर्तन हो ना पानी देना, अभी मत देना, कीर्तन का समय में पानी देना, 5 मिनट बैठ जाओ फिर पानी, फिर तो प्रसाद सब पा कर। ठीक है, इसलिए देखो ये भागवत कथा की कितनी दुर्लभता है। बोले स्वर्ग सती से वैकुंठे नास्ते अमरस। कहते इसका फल है, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी ये देवताओं के सौभाग्य में भी भागवत कथा नहीं प्राप्त होती।
हम आगे श्रवण करेंगे। इस समय श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये भागवत कथा सुनाने जा रहे थे। इतने में स्वर्ग से 33 करोड़ देवता, जिन भी देवताओं को हम घर में पूजा करते हैं, इंद्र चंद्र वायु वरुण जितने नवग्रह, सारे देवता स्वर्ग से ये अमृत कलश लेकर के आते हैं। बोले हे सुखदेव गोस्वामी, आप ये प्रकृत को क्यों कथा सुनाने जा रहे हो? बोले इसको श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिया, ये सप्तम दिवस में इनको तक्षक दंशन करेगा, इसलिए हम कथा सुनाने जा रहे हैं। बोले हम स्वर्ग से ये अमृत कलश लेकर के आए, लो ये पूरा के पूरा ये अमृत कलश ले लो, आप श्री परीक्षित महाराज को पिला दो, ये अमर हो जाएगी। लेकिन हम जो ये भागवत कथा सुनाने जा रहे हो, ये भागवत कथा में सुना दो। देखो सुखदेव गोस्वामी इतने बड़ी बात कहते, बोले कुशहा को मयूरमान, बोले अगर कोई कांच की टुकड़े आए, बोले ये कांच की टुकड़े ले लो और आपके पास में जो मणि है वो मणि हमें दे दो, आप दे दोगे मणि? बोले उसी तरह ये स्वर्ग का जो अमृत है, ये टूटे फूटे हुए कांच के स्वरूप है, और ये जो श्रीमद् भागवत कथा, ये भागवत कथा नहीं, ये स्वयं भगवान श्री बांके बिहारी, ये भगवान कृष्ण स्वयं ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में प्रकट हुई है। इसलिए भागवत में बताइए, बोले कृष्ण स्वभाव धर्म पुराण अर्क दुनादुत, जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़कर जा रहे थे, वहां पर श्री उद्धव जी, उद्धव जी ने प्रश्न किया, प्रभु आप तो ये संसार छोड़ के आ रहे हो, अभी मैं किसका आश्रय लेकर के रहूं? भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे उद्धव, एक स्वरूप में तो ये संसार छोड़ करके जा रहा हूँ, लेकिन जगत में मैं दूसरे स्वरूप में भी रह रहा हूँ। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आप किस स्वरूप में रहोगे? बोले उद्धव, ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, बोले अयंग बांग मई मूर्ति, भगवान स्वयं सब ब्रह्म रूप में अक्षरात्मक रूप में ये भागवत ग्रंथ रूप में कलयुग में भगवान की विद्यमान। भगवान कहते कलयुग में जो व्यक्ति ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेगा, ये भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना, ये कोई अलग बात नहीं, जो कथा सुन रहे हैं वो साक्षात मेरे से मिल रहे हैं। स्वयं बांके बिहारी भागवत रूप में आए, श्रीमद् गोस्वामी कहते पड़ेगी स्वर्ग में ये देवा रूप में जन्म लेने पर भी इनकी नसीब भागवत कथा उनको भागवत, इसका मतलब है हम लोग स्वर्ग के पास भी हम ज्यादा धन्यात्मा, क्योंकि ये भागवत कथा देवता को भी सुनने को नहीं मिला, संपूर्ण अमृत कलश देने पर भी उनको नहीं मिला, लेकिन वो कथा को हम बैठ कर यहाँ सुन रहे हैं। मतलब देवताओं से ज्यादा अपना कौन है? हम लोग हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह परी ये स्वर्ग की बात ही छोड़ दो, ये स्वर्ग कथा है ही नहीं, लेकिन उसके साथ लोग ऊपर में लोग है, यहाँ पर पिता ब्रह्मा जी रहते हैं, कहते भैया ये ब्रह्मलोक में जन्म लेने पर भी उनकी सौभाग्य भी भगवत कथा नहीं जुटती है, इसलिए स्वामी तुलसीदास से कहते हैं, बोले कथा है तो वेदे भावन बिहाए, कथा है तो वेदे भावन
ये 84 लक्ष जन्म के बाद में क्यों ये जीवन दिया है? प्रभु की भक्ति करने के लिए, प्रभु को भजन करने के लिए। अगर आप कथा सुनोगे तो हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे। समय होगा तो गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, माला जप करेंगे, गला में कंठी तिलक पहनो। अगर पत्नियां आई, अगर पति लोग नहीं आए, अगर पत्नी थोड़ा भजन करे ना, पति क्या बोलेगा? बोले कौन सा बाबा जी के चक्कर में तू पड़ गई? पहले तो बोलती थी थोड़ा घुमा ले चलो, सिनेमा देखने ले ले चलो, अब तो समय होते गीता रामायण लेकर बैठ जाती है। इसलिए आपको भजन करने नहीं देगी। अगर पति अकेले आए उनको ऊपर में भी रंग चढ़ेगी। साथ को बाद में देखना, अब साथ बाद देखना, आप नहीं रह जाओगे। आप लोग एक देव बन जाओगे, से भी श्रेष्ठ जीवन ब्रज की गोपियां बन जाओगे। साथ बाद में है आप लोग ऐसे नहीं रहोगे, पूरा पूरा बदल जाओगे, अपना भावना बदल जाएगी। अगर भाई लोग आए, अगर देवियों को साथ में नहीं लाए, अगर ये कथा की रंग अगर भैया ऊपर पड़े तो है, इनको ऊपर पड़े तो फिर पत्नियां क्या बोले? बोले काम था कुछ नहीं। जब देखो गीता भागवत लेकर बैठ गया तो काम करना नहीं पड़ा है। पहले तो घुमाने ले जा रहे थे, अभी घुमाने जाने ले नहीं जा रहे। माता है कि ताना मारेगी। अगर दोनों कथा सुन के आओगे तो दोनों को ऊपर में भी ये भक्ति की रंग दोनों को ऊपर में चढ़ेगी। फिर दोनों मिल करके बोले भैया चलो जल्दी जल्दी भागवत कथा में चलते हैं, चलो कहीं सत्संग में चलते हैं, चलो दोनों बैठ करके हरि कीर्तन करते हैं, दोनों बैठ करके प्रभु का थोड़ा भजन करते हैं। प्रवास बढ़िया से चले, संसार हमारी बढ़िया से चलेगा। इसलिए शंकर जी आए तो अकेले नहीं आए, किसको लेकर आए? माता देवी को लेकर के आए। ब्रह्मा आए तो किसको लेकर के आए? ब्रह्मा जी से ब्रह्माणी को लेकर के। और देवता आए तो देवियों को। इसलिए आज जो लोग अकेले अकेले आए ना, शाम को दो दो आ जाना, ठीक है ना? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए गोस्वामी श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, ये जो भागवत कथा है कि स्वर्ग के सत्यलोक के कैलाश नहीं बोले यहाँ तक भी, ये कथा आपके वैकुंठ में भी कथा नहीं, वैकुंठ में भी कथा नहीं। गोस्वामी जी कह रहे हैं बोले गया वो गरुड़ जहाँ बस ए भूसोला, गया वो गरुड़ जहाँ बस ए भूसोला, गया वो गरुड़ जहाँ बस ए भूसोला, राम चरणाति भक्ति मरते जगत में जहाँ श्री जगन्नाथपुरी में जहाँ कागुरी बैठ करके प्रभु की कथा सुनाते हैं, गरुड़ भी आगे के वहीं पर बैठ करके कथा सुने हैं। आप लोग रामायण सुने होंगे, बोले जिस समय भगवान राम ये जगत छोड़ करके अपना वैकुंठ धाम में जा रहे हैं, देखा सारा दुनिया अयोध्या वासी सके सब तैयार थे वैकुंठ जाने के लिए, लेकिन केवल एक व्यक्ति मिले नहीं। कौन नहीं मिले? बोले श्री हनुमत लाल नहीं मिले। भगवान राम बोले भैया हनुमान जी कहाँ गए? श्री हनुमत लाल कभी प्रभु राम को छोड़ करके हनुमान जी कभी रहते नहीं। रहे ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना,
రాతి చలనా హనుమాన్ బినా దునియా రామి చలనా హనుమాన్ బినా దునియా చలనా శ్రీ రామ కే బినా రామి చలనా హనుమాన్ బినా అరే దునియా చలనా శ్రీ రామ కే బినా రామి చలనా ప్రభు రామ ఉండలే ప్రభు రామ హనుమాన్ జీ కొనే శ్రీ హనుమాన్ లాగి బయట అరే బయట ప్రభు నా చెప్తారు ప్రభు హనుమాన్ జీ సారే అధ్యాసి తయారీ బయట సాంకేతో హనుమాన్ జీ బోలే ప్రభు సాంకేత తుమ్మారి కథా హే క్యా తుమ్మారి కథ సుననే మిలేగీ భగవాన్ కే భయ్యా జ సాక్ష్యా రూప క్యా జరూరత కథా కి క్యా జరూరత కథా మహత్వ హనుమాన్ జీ కి మహత్వ బాత బోలే ప్రభు ఐసే హో సకతా కథా నీ ఇలా శ్రీ నారద జీ భగవాన్ ప్రశ్న బోలె ప్రభు కహతే నివాస కాహే ठाकुर जी स्वयं कहते हैं बोले ना अहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय च मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद हे नारद दुनिया कहते हैं मैं वैकुंठ में रहता हूँ मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ दुनिया कहते मैं योगियों का हृदय में रहता हूँ मैं योगियों का हृदय में भी नहीं रहता हूँ बोले प्रभु फिर आप कहाँ रहते हो बोले मेरे को केवल एक जगह पर तुम पाओगे मद भक्ता जत्र गायंती जहां पर मेरे भक्त जन बैठ करके मेरी कीर्तन करते हैं मेरी कथा करते हैं मैं वहीं पर बैठता हूँ। हाँ देखो एटासी के भक्त वृंद सुनो हम लोग कितने सौभाग्यवान हो अगर देवताओं को कथा सुनने के लिए इच्छा होता है ना ये देवलोक छोड़ करके आते हैं ब्रह्मा जी को कथा सुनने की इच्छा हुई तो ब्रह्म को सुन छोड़ कर आए शंकर पार्वती की अगर इच्छा होती है कथा सुनने के लिए वो कैलाश लोग छोड़ कर आते हैं अगर गरुड़ जी की इच्छा होता है कथा सुनने के लिए वो वैकुंठ छोड़ते हैं लेकिन एटावासी भक्त वृंद आपको कथा सुनने के लिए एटा छोड़ना पड़ा आपको बोलो छोड़ना पड़ा नहीं कथा रूपी गंगा स्वयं वृंदावन से ही बहते 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 हमारे घर के सामने आ गई और हम घर में बैठ बैठ करके यहाँ पर कथा रूपी गंगा हम लोगों ने स्नान कर लिया इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो इस बात भागवत कथा हम साथ कथा सुनेंगे इसलिए जो कथा मैंने पहले बताई ये कथा नहीं भागवत भगवान कहते हैं निगमाकल्पतरोर्गलितं फलं मतलब है हम कथा नहीं सुनेंगे सात दिन तक कल्प वृक्ष के नीचे बैठेंगे ये भागवत कल्प वृक्ष है कल्प वृक्ष मतलब जो मांगोगे वही मिलेगा जो मांगोगे वही मिलेगा सात दिन तक कब मिलेगा तभी मिलेगा जब हम टाइम से कथा सुने ऐसे नहीं कथा जब खत्म होते जाएगी एक एक करके आएगी नहीं ऐसे नहीं कथा नियम से कथा सुनना पड़ेगा देखो जैसे आप सिनेमा के लिए जाते हो आप बताओ जब चलती है सिनेमा कितने बजे कथा सुनने के लिए जाते हैं बताओ
क्या फिल्म जब आधा होने जब जगत ना पहले से जाते हैं उसका आधा घंटा पहले जाएंगे बाइक लगेंगे अगर गंदी गंदी पिक्चर ज्यादा गंदी पिक्चर होगा ना फिर बाद में टिकट खरीदी करेंगे फिर गंदी चीज को बैठ बैठ तीन घंटा देखेंगे और बुद्धि खराब करके नरक का रास्ता खाली करके घर में आ जाएंगे। लेकिन भगवान की कथा में बीच में आनी नहीं चाहिए। कब आनी चाहिए? कथा शुरुआत होने से पहले आए है। कथा कैसे सुननी चाहिए? बोले श्री हनुमत लाल जैसे। कैसे सुननी चाहिए? श्री हनुमान जैसे कथा सुननी चाहिए। देखो हनुमान कैसे हनुमान जी कथा सुनते हैं। आप गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुने होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ये राम की एकनिष्ठ भक्त थे। ये जब शौच क्रिया करने जाते थे एक लोटे में पानी ले जाते थे तो शौच क्रिया को बाद में एक वृक्ष था वो वृक्ष को जड़ में वो पानी डालते थे। लेकिन वो वृक्ष में एक भूत रहता था। एक दिन वो भूत एक दिन साक्षात श्री तुलसीदास को दर्शन दिया। जब दर्शन दिए बोले तुलसीदास तुम रोज रोज मेरे को पानी लाते। तुलसीदास जी बोले भैया मैंने तब को तुमको पानी को पिलाया। बोले प्रतात्मा हूं इसी मेरा बाद में जो लोटे में पानी बचाती थी वो पानी को वृक्ष में तुम डालता था। मैं अपवित्र पानी पी सकता हूँ पवित्र पानी में पी नहीं सकता हूँ। तुमने जो पानी डालता था उसको पी लेकर मैं रहता था। बोले तुलसीदास तेरे पर मैं संतुष्ट हूँ इसलिए आज तू जो कुछ मेरे को मांगोगे तुम्हारी सारी इच्छा को पूरी कर दूंगा। तब भगवान तुलसीदास जी बड़े चतुर भक्त हैं राम के भक्त है। बोलिए भूत कहता है तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा। उसने कहा एक काम करते हो। बोले बताओ। बोले प्रभु राम से मेरे को मिला सकते हो प्रभु राम का दर्शन मेरे को दिला सकते हो। भूत ने कहा भैया अगर मैं तेरे को प्रभु राम का दर्शन करा सकता फिर मैं ये भूत बनकर क्यों पड़ा हुआ पहले तो मेरी मुक्ति हो जाती। बोले फिर तेरे को मैं एक उपाय बता सकता बोले बताओ। बोले तुम अमुक जगह पर जाना देखना रोज वहां पर प्रभु राम की कथा होती है। अब देखना कथा से सबसे पहले एक व्यक्ति आएगा शरीर रुगमा शरीर में गंदा कपड़ा पहना होगा। कथा से सबसे पहले वो व्यक्ति आएगा और सबसे पीछे बैठेगा और कैसे बैठेगा बैठते समय जो कथा स्थल को प्रणाम करेगा कथा बैठे हुए व्यक्ति को प्रणाम करेगा तो सुनने वाले सुनाने वाले सबको प्रणाम करके और हाथ जोड़ करके बैठेगा और कथा सुनते समय आंखों से आंसुओं की झड़ी बह जाएगी और उसका जो रोंगटे खड़े होते रहेगी वो श्री हनुमत लाल है। आप उनकी चरण पकड़ लेना उनकी चरण पकड़ लोगे ना फिर तो प्रभु राम का दर्शन हो जाएगा। उसने देखो तेरे को पहले वो बहकाने के लिए कोशिश करेगा लेकिन बहकना नहीं तुम बहकना नहीं वो स्वयं श्री हनुमान जी है उनकी कृपा से मिलेगा। उन्हें सचमुच से गया वहां पर देखा सबसे पहले एक व्यक्ति आया सबसे पीछे बैठा आंखों से आंसुओं का बहाते हुए एक मन से उन्होंने कथा सुनी। जब कथा समाप्त तो हो गई जब जा रहा था ना उसने क्या किया तुलसीदास जी उनके चरण को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया उसने कहा भैया मैं शूद्र हूँ तो मेरे को स्पर्श कर लिया अपवित्र हो गए मेरे को छोड़ो। बोले प्रभु मेरे को पता है आप श्री हनुमत लाल हनुमान की बड़े दयाल हुए। बोले बताओ क्या चाहते हो। बोले मेरे को प्रभु राम का दर्शन करा मेरे को प्रभु राम का दर्शन करा दो। तब श्री हनुमान जी ने कहा देख बेटा चित्रकूट के घाट पे भय संतन खीर और तुलसीदास चंदन जिसे तिलक देत रहे प्रभु राम रोज आते हैं स्नान करने के लिए चित्रकूट के घाट पर तो एक काम करना वहां चंदन घिसते रहना और सब तिल लगाते रहना प्रभु राम लक्ष्मण भी आएंगे और उनकी भी दर्शन हो जाएगी। लेकिन तुलसीदास गए चंदन घिसे सबको दिया लेकिन उनके जो स्वभाव था वो कभी सर उठा करके कभी नहीं देखते थे तब भी सर उठा करके नहीं देखते थे। क्यों
भगवान की भक्ति जगत में जो आंख है ये सबसे ज्यादा दुष्ट है, इससे बड़ा दुष्ट कुछ नहीं। आप भजन करने के लिए बैठे हो, जो चीज हम इन आंखों से देखे होंगे ना वही वही चीज याद आता है। इसलिए उन्होंने कभी सर उठा कर कभी देखते नहीं, ये आंख बड़ा दुष्ट है। हमारे संप्रदाय में ये आंख गड़बड़ी का तो उन्होंने आंख ही फोड़ दी, बोले न रहेगा कहां और न बजेगी बांसुरी। ये आंख जितने बड़ा दुष्ट है, सारे उल्टा पुल्टा चीज को देख करके अंदर में डालती रहती है। अभी राम लक्ष्मण तक आए, तुलसीदास चंदन लगाए, दर्शन ही नहीं मिला, दर्शन ही नहीं मिला। फिर दूसरे दिन फिर हनुमान जी की चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु दर्शन मिले ही नहीं। बोले प्रभु तो आए थे, तुम्हें दर्शन ही नहीं किया, सर ऊपर नहीं किया। बोले मैं सर तो ऊपर कर ही नहीं सकता हूँ। बोले ठीक है, मैं तो पीछे बैठा रहूंगा, जब प्रभु आएंगे मैं बोलूंगा तुम दर्शन करना। अभी हनुमान जी आकर के उनको पीछे बैठ गए और उन्हें चंदन घिसते थे और सब चंदन लगाया करते थे। जब राम लक्ष्मण आए, इतने में हनुमान जी बोले देखो देखो प्रभु जी आ गए, देखो देखो जल्दी देखो सामने प्रभु जी खड़े हैं। इतने में गोस्वामी तुलसीदास जी जब सर उठा करके देखा, प्रभु राम लक्ष्मण का दर्शन हो गया। बस सियावर रामचंद्र की जय। देखो कहते श्रोता कैसे बननी चाहिए, श्री हनुमान जैसे, श्री हनुमान जैसे बननी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कथा सुननी कैसे चाहिए, नियम है। बोले बिना खाए पिए 7 दिन तक कथा सुनो। बोले भैया भूखे ना भजन हो ही रोपाला, बिना खाए पिए हम तो ऐसे कथा ही नहीं सुन सकते हैं। बोले अगर बिना खाए पिए नहीं सुन सकते काम करियो 7 दिन तक तो बोले घी पी लेकर कथा सुनो। बोले घी पी लेके पेट पतला हो जाएगा। बोले अगर ऐसे कथा नहीं सुन सकते तो उसको विधान बताया। बोले एक बार फलाहार करके, बोले एक बार फलाहार की तो हो सकता है लेकिन भी अगर ऐसे नहीं करते हो, एक बार फलाहार करो और एक बार बढ़िया से भोजन करो, एक बार फलाहार करो और एक बार बढ़िया से भोजन कर लो, ये सबसे बढ़िया विधान है। अगर ऐसे अगर कोई कथा सुन ले 7 दिन तक, आप देखना आप जो कुछ मांगो भागवत से 7 दिन में ठाकुर जी सारी इच्छा को हमारे लिए कर देंगे, सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और भागवत में लास्ट का जो नियम बताया, अगर ऐसे भी अगर नहीं सुन सकते तो अभी जितना बार खाने का खाओ, जितना भोजन करना खाओ सका से भोजन करो। लेकिन कथा ठीक से कथा सुन लो, कथा को ठीक से कथा सुन लो, ठीक है। ये सब नियम है, इसलिए शाम को फिर हम लोग सुनने के लिए बैठेंगे। कितने से कितने तक था रखे? 3 से 7। 3 से 7। 3 4 5 ठीक से 7 तक रखे हैं। इसलिए आप लोग विचार कर लीजिएगा कितने बजे आप लोग आ सकते हो। हम तो कथा सुनाने के लिए आए हैं, हम तो सुना सकते। माताओं से पूछता हूँ, माताएं बताओ कि घर के मूल आप हो, खाना बनाने वाले आप हो, इसलिए यहाँ पर क्या भोजन का व्यवस्था है? रोज इसलिए माता आप लोग को बताओ, आप कितने से कथा कितने तक होने पर हम लोग कथा सुन सकते हो, बताओ माता है। पहले माताओं को प्रश्न करें, क्योंकि आप घर की लक्ष्मी हो, क्योंकि रोशनी बनाने वाला है। 3 से 3। हाँ, ये लोग आपके पूछ रहे हैं, आप तो खाना नहीं बनाते, खाना वाला ही बनाते। हाँ बताओ, बोलो बोलो कौन क्या बोलता है, बोलो। आप जैसे बोलो ना, हम एकदम ठीक ही जैसे कथा सुनाएंगे। अभी ये लोग बोलेंगे, आप मत कहा, बस आप लोग विचार करके बोलो जितना बजे आ सकते हो और जितना बजे जा सकते हो उतना बजे अब तो हम छोड़ेंगे, उतना बजे कथा समाप्त करेंगे। कितने 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 तक? और पीछे जो बैठे माता जी क्या बोल रहे हैं, बोलो। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, हाँ इनसे डिस्कस करके ही करवाया था माता। और भाई लोग को बताइए, भाई लोग बताओ कितने से? आप कुछ बता नहीं रहे हो सबके साथ। 3 से 6। हाँ वो बता रहे 3 से 6, क्योंकि जाकर घर में फिर प्रसाद बनाना पड़ता है ना, खाना बनाना पड़ेगा, ठीक है। 3 से
छह का इतिहास सुनाएंगे और थोड़ी थोड़ी कब जैसे कृष्ण का जन्मोत्सव होगा, पूजा होगी, रुक्मी की विवाह होगी, फिर उसमें राधा रानी की जन्म कथा सुनाएंगे। हो सकता है थोड़ी सी इधर उधर हो जाए, ठीक है, तीन से समय दीजिए छह तक, अगर थोड़ी सी अगर ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, बोले गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय बोले गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय 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 राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय बोले गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय राधा रानी की जय, महारानी की जय, 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 गिरधारी की जय, वनवाली की जय, गिरधारी की जय, वनवाली की जय, बोल कुंज बिहारी की जय, जय जय बोलपुंज बिहारी की जय, जय जय हरि बोल, 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 हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे सेवा कुल में, राधे राधे मान गली में, राधे राधे मान गली में, राधे राधे अपंग गली में, राधे राधे बैसाखी में, राधे राधे सचिवी गुरुदेव की जय।